आज की रेसिपी जो है वो ढाबा स्टाइल क्रीमी चिकन होगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन लिया है और इसको ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट लिया है। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और थोड़ा सा ऑयल हीट होने के बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो चॉप्ड अनियंस डाली हैं। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें चिकन ऐड कर लीजिए और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर दीजिए और इसको हिलाते रहिएगा हर 30 to 40 seconds के बाद। एक चम्मच यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 2 चम्मच काली मिर्च के मैंने ऐड किया, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और नमक अपनी मर्ज़ी का, और क्रश रेड पेपर ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह पक जाए तो उसके अंदर चॉप टोमेटो डाले, बिल्कुल एक दरमियाना साइज़ का टोमेटो। तीन टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। एक चम्मच गरम मसाला और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून रोस्टेड क्यूमन पाउडर। थोड़ी सी इसके अंदर चिलीज ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो ना भी ऐड करें, ऑप्शनल है। और फ्रेश जो है मैं कोरिएंडर यूज़ कर रहा हूँ, धनिया आप फ्रेश लीजिएगा और इसके ऊपर डाल दीजिएगा, हम थोड़ा सा आखिर में भी यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार में हमेशा ज़्यादा डलता है। और 1/2 कप जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड करूँगा। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दीजिएगा, हम लोग पहले मीडियम पे कुक कर रहे थे, अब थोड़ी सी हाई कर दीजिएगा और इसको 4 से 5 मिनट पकाइएगा जब तक ये एकदम थिक क्रीमी चिकन ना बन जाए। ऊपर से फ्रेश धनिया ऐड करिएगा, चिलीज भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे, अपने हिसाब की आप इसके अंदर इसकी थिकनेस रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए, आप इसके अंदर इस पॉइंट पे थोड़ा सा क्रीम और ऐड करके बहुत थोड़ा सा कुक कीजिएगा तो थोड़ी ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगी। और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको गरम नान, गार्लिक नान या पराठे के साथ खा सकते हैं, जैसे हम लोग ढाबे पे खाते हैं। मेरी बाकी रेसिपीज़ भी आप प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।